नंबर दो पार्षद बलविंदर सिंह को पुलिस ने घर से उठा पूछ रही थी, कोई वारंट है तो दिखाओ, कुछ आपके कागज पास है तो दिखाओ, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, एकदम से बस बलविंदर सिंह को ऐसे 2 मिनट में लेके चले, घसीटते हुए लेके गए, मतलब घर के अंदर आए और घसीटते हुए ले गए, कोई सर्च वारंट नहीं, बलविंदर सिंह को घसीटते हुए लेकर चले गए। एक बार पानी पिएगा, जब इनको लेके जाना होता है, हंसते हंसते ये चढ़ती है कि नाटक हो रहा है, टीआरपी मिल रही है, मीडिया में आ रही है। एक बात चाहता हूँ कि केजरीवाल से कोई बेहतर बने। जूते में पानी पीने की मैं कौन हूँ जिसके जूते में पानी आप पियोगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपकी आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हंसते हुए पुलिस पकड़ने आती है ना। धर्म नंबर दो पार्षद बलविंदर सिंह को पुलिस ने घर से उठा लिया, ऐसा क्या हो गया? एक बार बातचीत करने के लिए अंदर चलते हैं। घर से उठा लिया बलविंदर सिंह को, जी हाँ घर से उठा लिया पुलिस ने बलविंदर सिंह को, क्या हो गया बातचीत कर लेते हैं। मैडम घर से उठा लिया था, क्या हो गया था? कुछ नहीं, बस वो एक छोटा सा मसला था वहाँ DDPO के साथ बुढ़ाखेड़ा गांव में, तो उसके एवज में उन्होंने पता नहीं क्या दरखास्त दी। एकदम रात को इतने जने पुलिस वाले आए कि चारों ओर गाड़ियां ही गाड़ियां, और ऐसे जोर जोर से दरवाजा खटकाने लगे, एकदम से जैसे बाहर निकले तो लेडी जेंट्स पुलिस वाले, कोई वर्दी में थे कोई बिना वर्दी के थे, एकदम से अंदर घुस गए, बेटियां थी घर में, मेहमान आए हुए। क्या हुआ था? आप लोग तो एकदम से हिल गए होंगे। बिल्कुल एकदम से हिल गए भी, ये क्या हुआ? एकदम से बलविंदर सिंह को जैसे पकड़ के घसीटते हुए ले गए बाहर, बेटियां रो रही थी चिल्ला रही थी भी हमारे पापा ने कसूर क्या किया, तो हमें कसूर तो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ गरीबों की झोपड़ियां बचा रहे थे। ये DDPO कभी कहीं तोड़फोड़ कर रहा था, कभी कहीं कर रहा था, तो वहाँ बुढ़ाखेड़ा में किया, तो वहाँ गरीब लोग जैसे रो रहे थे कल्प रहे थे, तो जैसे ही उनका फोन आया तो पुलिस वाले अंदर आए, बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले थे, सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया, सोफे ऐसे। कोई सर्च वारंट था उनके पास? ना कोई वारंट नहीं था, बेटियां पढ़ी लिखी हैं पूछ रही थी कोई वारंट है तो दिखाओ, कुछ आपके कागज पास है तो दिखाओ, तो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, एकदम से बस बलविंदर सिंह को ऐसे 2 मिनट में लेके चले, घसीटते हुए लेके गए, मतलब घर के अंदर आए और घसीटते हुए ले गए, कोई सर्च वारंट नहीं, बलविंदर सिंह को घसीटते हुए लेकर चले गए। एक बार अंदर चल लेते हैं, बातचीत करेंगे इसी पर ही। आप देख सकते हैं इस समय हम वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद है मौजूदा उनके घर मौजूद है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार, मुझे लगा पुलिस घसीट के लेगी। नहीं नहीं, वो तो पहले की बात है, आज हो गए। तैयारियां तो दोबारा भी कर रहे हो लगता है? हाँ तैयारियां तो पुलिस को पता है, क्या उनके आका का आदेश आता है वही बताएंगे ना। पहले भी बिना कारण लेके गए थे, जिनके कारण मेरे को लेके गए थे वो 6 महीने जेल में रह के आए हैं, 85 लाख रंगे हाथों लेते हुए पकड़े गए थे वो DTP जिसकी शिकायत में मुझे अंदर डाला था। कोई सर्च वारंट था उस दिन रात को उनके पास? उनके पास सर्च वारंट क्या है, वो ये सरकार, यही तो बात है कि मैं कहता हूँ कि आज की डेट में खट्टर साहब की जो अत्याचारों में गिनती औरंगजेब से पहले आती है, वो कत्लेआम करने वाला हथियार अपनाते थे और ये परिवार के परिवार खत्म करने वाला सिस्टम अपना रहे हैं। सुने जिला अध्यक्ष बने हो नए नए आम आदमी पार्टी से? हाँ जिला अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है और कुछ समय पहले ये भी बातें आ रही थी कि बलविंदर सिंह आम आदमी पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं, कितनी सच्चाई? नहीं, मैंने आज तक जिंदगी में कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, पहले BJP के साथ इनका साथ दिया था, क्योंकि जब हमें लगता कि कांग्रेस ने 10 साल में जो हम चाहते थे, एजुकेशन के मॉडल पर काम नहीं करा, स्वास्थ्य सुविधाओं के मॉडल पर काम नहीं करा, तो हम ये BJP को लेके आए थे, हम आज़ाद पार्षद थे और इनका साथ दिया, ये बन गए, तो भी हमने साथ में जब रहते थे तो BJP की नीतियां हम साथ लेके समझ रहे थे, लेकिन हमने आज तक BJP पार्टी ज्वाइन नहीं करी और ना ही कोई आज तक पहले कोई पार्टी और आज तक हमने ज्वाइन करी है। अब पहली बात, आम आदमी पार्टी में आए हैं तो आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे क्यों? अगर छोड़ने के लिए आते तो फिर हम अपना, अगर हमको स्वार्थ होता तो हम खट्टर साहब के साथ रहते। जनता अगर आपको मौका देती भी है, आपके बारे में सोचती भी है, आगे आने वाले समय में आपको टिकट भी मिलती है अपनी पार्टी से, क्या करोगे? क्या आप ये बताओ? सबसे पहले एजुकेशन के मॉडल पे काम करूंगा। मेरे वार्ड में आज देखना कि वार्ड तो और भी 20 थे, मेरे वार्ड में बेटियों के लिए 8वीं से 12वीं स्कूल बना है, वो खट्टर साहब का धन्यवाद कर दे, क्योंकि सरकार के आदेश के बगैर कोई पार्षद स्कूल नहीं बना सकता। लेकिन वहां मैंने जो अपनी ग्रांटे ले लेके बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाई है, मंगलपुर स्कूल जाके देखते 8वीं 12वीं, जहाँ चारों स्ट्रीम है। मेरे वार्ड में ही लाइब्रेरी स्कूल के सामने हमने बनाई, मेरे
वार्ड में ही हमने साथ में लगता, वार्ड एक की जमीन पड़ती है लेकिन मेरे वार्ड के साथ लगता है, वहाँ हमने बेटियों के लिए स्टेडियम बनाया, बेटियों की शादी के लिए 8 पैलेस मच्छपालने बनाई। तो हमारी सोच ये है, ये सरकार शिक्षा के मॉडल पे काम करती है तो इसलिए हम इस पार्टी के साथ है। सबसे पहले शिक्षा। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भी बातचीत करनी चाहिए? अब तो भाईचारा हो जाएगा ना, आम आदमी पार्टी है पंजाब में, करो भाई हमें भी हमारा हक चाहिए। जब मोदी साहब की एक वीडियो आप निकालने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा। मोदी साहब ने कहा था कि वो वीडियो सुना दूंगा मैं, बाद में भेज दूंगा। मोदी साहब ने ये कहा था कि जी हम हरियाणा पंजाब सारे को पानी देंगे, जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है वहाँ व्यर्थ बह रहा है, उसमें हम डैम बनाएंगे, डैम के बाद सारों का पानी पूरा हो जाएगा। केजरीवाल जी मात्र दिल्ली के जो है मुखिया है, उसके बाद पंजाब के बने हैं, ये जो बातें करते हैं। अब जो कई बार सेंटर में सरकार बीजेपी की थी और नीचे जो बादल साहब की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने हल क्यों नहीं करा? जब सेंटर में भी नीचे भी इनकी सरकार है तो उसके बाद हल क्यों नहीं करा? कई बार स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम ये हल क्यों नहीं करा? ये स्टेटों के हल कब किए? आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आप बन गए हो, अगर आपको जनता चुन लेती है, आप मेरे को ये बताओ आप एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करोगे या नहीं करोगे, ये मुद्दा उठाओगे? हमारी पार्टी की बात यह है, हमारी पार्टी ये कहती है पहले नंबर पे तो एक जिला अध्यक्ष के लेवल की बात नहीं है, हमारी पार्टी ये कहती है राजस्थान को भी पानी मिलना चाहिए, पंजाब को भी पानी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी पानी मिलना चाहिए। हम भी कहती है कुछ किया तो नहीं आपकी पार्टी, क्या करेंगे? जब पार्टी जो ऊपर प्रधानमंत्री भी उनका था और वो जो मुख्यमंत्री भी उनका था, उस टाइम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। केजरीवाल जी तो मात्र और मात्र पंजाब में हमारी दिल्ली के बाद सरकार आई है, और एक स्टेट की सरकार आने के बाद क्या बंदा कर सकता है? क्या लोग ये भी कह रहे हैं बलविंदर सिंह आजकल टीआरपी बटोरने के लिए ड्रामेबाजी बहुत करने लग गए हैं हर चीज में, अधिकारी आपकी बात इसलिए मानते नहीं तो फिर ड्रामेबाजी खिंडाओगे? ऐसे ऐसे के अधिकारियों को काम करना ही पड़ेगा। ऐसे के 9 साल में बलविंदर सिंह के अलावा जिस दिन से पार्षद बनाऊ एक नेता, आप एज ए पत्रकार ये बता दो कि बलविंदर सिंह के अलावा कोई पब्लिक के लिए खड़ा है, मुझे बता दो। कोई मेयर खड़ी है कभी खेड़ी है तो वीडियो लेके आओ। अगर पूरा विधायक कहीं खड़ी थी, अब इलेक्शन के टाइम खड़ी हो जाए तो बड़ी बात है, तो उसका लेके आओ। कोई पार्षद खड़ा तो उसके लिए लेके आओ। ये भी ड्रामेबाजी होती है क्या? एक पब्लिक का जो गरीब बंदा है और उसका 2 बार मकान तोड़ देते हैं, और मकान तोड़ते हुए मैं उस डीटीपी को रोकने जाता हूं और वो उठा के मेरे पे विभिन्न प्रकार के, आपकी पार्टी, आपकी तो पार्टी ऐसी है जिसके नेता जो है शराब घोटाले में अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उन पे आरोप ऐसे ऐसे लगते हैं, ऐसी पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली बलविंदर सिंह ने जब सच्चा सुच्चा इंसान है? ऐसे है कि अगर ये नेता हमारे, ये क्या करते हैं कि पिछली सरकारों, कोई भी सरकार आती थी 50% विपक्ष के नेता अंदर जाते थे, अगर कोई घोटाला करता था तो 50% सत्ता पक्ष के अंदर जाते थे। क्या बीजेपी के सारे नेता दूध से धुल गए, कोई एक भी क्राइम? मतलब आप ये कह रहे हो नहीं, बीजेपी और फिर आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं रहा ना? नहीं, बीजेपी में क्या, जब सेंटर में बैठे जिसको मर्जी दबोच लो, जिसको मर्जी दबोच लो, आप देख लो ना आकर्षण उपल को उठा के ले गए ना, तो जो पत्रकार बोलेगा उसको उठाएंगे, जो विपक्ष का नेता बोलेगा उसको उठाएंगे। 2 ही नेता क्यों उठाए? सत्येंद्र जैन क्यों उठाया? क्योंकि वर्ल्ड क्लास उसने स्वास्थ्य सुविधाएं दी, उन्हें कहा ये बंदा और रह गया तो तेरा पतन कर देगा राजनीति से, उसको उठाया। फिर जो मनीष सिसोदिया जी है, शिक्षा के मॉडल में इतना बेहतरीन काम किया वर्ल्ड में, वहां पे अमेरिका से बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री की वाइफ तक आती है कि कहती है जी मैंने दिल्ली के स्कूल देखने हैं, उन्होंने कहा कि सिसोदिया को बिठाओ। वो सोचते कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को उठाने से इनका स्वास्थ्य सुविधाएं रुक जाएंगी, जो दे रहे हैं जनता को और जो स्कूल बना रहे हैं वो रुक जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी में एक से एक नेता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं जो सरकार दे रही है ऐसे ही देती रही, कि चोटी के नेता इसलिए उठाए थे कि जिन 2 कारणों से केजरीवाल का बेहतरीन ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, उठता जा रहा है, उनको उस चीज़ की टीस थी, तभी उनको अंदर डाला है। अब हुड्डा साहब है हमारे, वो उनकी यस में यस मैन बने रहे मोदी साहब के। मैं तो क्या लगता है अब बीजेपी की विकेट हरियाणा में भी गिर सकती है? विकेट की हरियाणा में, मेरी बात लिख लो दहाई का। आम आदमी तो आती नहीं, आम आदमी पार्टी तो आती नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए सारी दुनिया कहती थी कि वहां चन्नी का मुख्यमंत्री बनना तय, 5-7 दिन पहले जनता ने पूरे पंजाब में झाड़ू, क्या सफाया तो कर दिया, नशे आप लोग नहीं कम कर पाए आज की डेट में पंजाब में, करा क्या आपकी पार्टी ने? ये बता दो ना, दिल्ली का मॉडल दिखा के पंजाब में आप लोगों ने इलेक्शन तो जीत लिए, करा क्या आम आदमी पार्टी ने? 70-70 सालों से राज करने वाले आम आदमी पार्टी से पूछते क्या आप किया है?
छाज तो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 70 सुराख हैं वो भी बातें करें, वो पार्टियां बातें करें। मात्र एक साल हुआ है, मैं बताता हूँ क्या किया है। 600 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, और मोहल्ला क्लिनिक क्या बनाए हैं, जहां से 10 पैसे की टैबलेट से लेके पंजाब की, पंजाब की आज भी जाके कंडीशन देख लो, हर 10 में से 6 से 7 लड़के बाहर जा रहे हैं कि पंजाब में काम नहीं है, बेरोजगारी है, यहाँ पे रहना नहीं है, या फिर वहां पे नशों की वजह से इतनी ज्यादा फैमिलीज परेशान, युवा जो है इतना ज्यादा नशों के अंदर घिरता जा रहा है, नास हो रखा है गति पंजाब। आप एक आंकड़ा चेक करो ना, आप आंकड़े निकलवाओ, आज की डेट में हरियाणा के जो बच्चे हैं वो पंजाब से ज्यादा विदेश में जा रहे हैं। और रही बात नशे बंद करने की, नशा अगर पाकिस्तान से आएगा तो बॉर्डर पे पंजाब पुलिस खड़ी नहीं होती, बॉर्डर पे सेंटर की जो हमारी फौज है वो खड़ी होती है, बॉर्डर पे सीआरपीएफ जो सेंटर के अंदर में वो खड़ी होती है। अगर वो सोच लें कि पंजाब को बदनाम करना है तो वो उनको ढील दे देंगे तो पंजाब क्या करेगा उनको। प्रशासन का कितने बुरे हाल है वो तो आप लोगों ने पीछे देख लिया था, गैंगस्टर जेल के अंदर बैठ के इंटरव्यूज देते हैं, उस पे क्या कहोगे? ऐसे गैंगस्टर एक दिन में पैदा हो गए थे क्या? गैंगस्टर भगवंत मान जी ने एक साल में पैदा कर दिए क्या? गैंगस्टर पहले उनको पनाह दी उन्होंने, आपकी सरकार के होते होते इंटरव्यू आए थे वो, आपकी सरकार के होते होते धमकियां आई थी वो, जेल के अंदर बैठे बैठे धमकियां आई थी वो, सुधार के लिए तो आए हैं ना, वो जो सिस्टम बना हुआ है उसी सुधार के लिए आए हैं। आप 5 साल मौका दोगे ना दूसरों को, 70 साल मौका दिया, 5 साल के बाद ये क्वेश्चन करना, और 5 साल छोड़ो 2.5 साल के बाद ही क्वेश्चन कर देना ये। चलो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको 8-10 बोरी पैसों की दे देती है जनता, क्या करोगे पैसों से? पैसे मिल गए आपको बहुत सारे, 8-10 बोरी जनता दे देती है पैसे, बलविंदर सिंह को दे दिए, उन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, क्या इस्तेमाल? नहीं, जनता से पैसा लेने नहीं चाहिए, क्यों लेंगे जनता से पैसा? जनता वोट देती है, जनता हमें अधिकार देती है सेवा देने के लिए, तो मैं पैसे लेना से कहूंगा कि जनता जी पैसे, मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? मैं तो ये सही, मेरे दिल की बात यह है जो मैंने करके दिखाया है, अगर कोई दान देना चाहता है तो आए, हम एक संस्था बनाएंगे, लेकिन जो गरीब बेटियां हैं उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे। संस्था बनाएंगे जो गरीब बेटियां उनकी एजुकेशन पे काम करेंगे, इनके जो मालिक है, इनके जो बॉस है, उन्होंने तो 45-45 करोड़ पे अपनी कोठियों पे लगा दिया। मैं बताता हूँ, अगर एक मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी कोठी है, 15 साल से रिपेयर नहीं, 15 साल से तुमने 12 साल करोड़ों रुपया, वो तो कहते थे मैं तो छोटे से फ्लैट में रह लूंगा जी, करोड़ों रुपए में कोठियां रिपेयर हो रही है, ये काम करेंगे आम आदमी पार्टी वाले, नाम रख लिया आम आदमी पार्टी और काम करोड़ों रुपए के घर। ऐसे करोड़ों रुपए के घर उसने अपने थोड़ा बना लिए, अगर जिस दिन केजरीवाल जी मान लो अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आता है, मतलब आप मानते हो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, सारी उम्र कोई ऐसा थोड़ी है, दूसरा मुख्यमंत्री अगर उनसे कोई जल्दी आएगा, नहीं जल्दी आएगा, ऐसे है बता दो, उनसे लग रहा है क्या, उनसे कोई बेहतर होगा तो हर हालत में आएगा, ये प्रकृति का नियम है, बेहतर होगा तो ही आएगा। मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल से कोई बेहतर बने। चलो ये बताओ, आप भी अपने बॉस की तरह वो जो करोड़ों रुपए कोठियों पे लगाया गया, आप भी कोठियां खड़ी करोगे फिर? ये मैं अपनी कोठी में, कैसी कोठी में बैठा हूँ, कैसे सोफे बैठे हैं, क्यों? हर बंदा ही चाहता कि जिसके घर में पब्लिक ने आना, पब्लिक को नीचे तो बैठा नहीं सकते। केजरीवाल जी ने अपनी कोई कोठी तो बना नहीं ली, केजरीवाल जी ने लूट के अपनी कोठी पे, आपके केजरीवाल के ही बयान है, क्योंकि मैं तो छोटे से फ्लैट में भी रह लूंगा तो करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? छोटे फ्लैट में केजरीवाल जी रह लेंगे, लेकिन जो इतनी बड़ी सुरक्षा का घेरा प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को देना पड़ता है, वो देना भी चाहिए। क्या आप जानते हैं 45 करोड़ क्या होता है? क्या आप जानते हैं 45 करोड़ में यहाँ करनाल में 100-100 करोड़ कोठियों पे लगा रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या होता है। अगर 45 करोड़ पहले नंबर पे, तो ये इनका झूठ का पुलिंदा होता है, जैसे मर्जी जो मर्जी ये लिखत बना सकते हैं कि 12 साल में अगर 45 करोड़ लगा होगा तो उसको ये 90 करोड़ दिखा देंगे, जैसी बीजेपी की सोच है, जैसी इनकी नीति है, जैसी इनका आईटी सेल है। अच्छा, अधिकारी कहते हैं करनाल के, मतलब कहते नहीं, ऐसा सुनने में आता है कि अधिकारी ना डर के काम कर देते हैं, नहीं तो फिर बलविंदर सिंह ड्रामेबाजी खिंडाएगा, कोई धरने पे बैठ जाएगा, इसलिए काम होते हैं। ड्रामेबाजी से बच के, डर के अधिकारी जनता का काम करते हैं तो ड्रामेबाजी में बुराई भी क्या है? तो मतलब फुल ड्रामे करोगे आप भी? हर बंदे को एक बात और बता नीरा जी, हर बंदे को स्वार्थ होता है कि मैं लोगों का काम करूंगा, लोग मेरा साथ देंगे, मेरे को आगे लेके जाएंगे। एक माँ बच्चा पैदा करती है ना, वो भी बेटा होता है, चाहे आज बेटियां हमारी
बुलंदी पे पहुंच रही हैं। बेटा होता है ना, दादी एकदम खुश हो जाती है, उसको ये स्वार्थ होता है बेटी से उसका कोई मतलब ऐसा नहीं, उसके साथ लगाव नहीं होता, इसलिए होता है कि बेटी ने दूसरे घर में चले जाना है, बेटा आएगा बहू लेगा। हर इंसान का थोड़ा बहुत तो स्वार्थ होता है, हम राजनीति में आए हैं, थोड़ा बहुत तो स्वार्थ हमारा भी होगा, लेकिन कोई आरोप लगा दे पाँच पैसे का, बलविंदर सिंह ने किसी भी ठेकेदार से पाँच पैसे कमीशन लिया, आरोप ही लगवा दो, मेरे विपक्षी से ही आरोप लगा दो, तो मेरे से जहाँ जो चोर की सजा वो मेरी है। चलो आने वाले टाइम में अगर जनता, वैसे तो मुझे लगता नहीं आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला है, बट फिर भी अगर आपको लगता है जनता आपको मौका देती है, क्योंकि आपको लोग यहाँ मानते हैं, मैंने आसपास जब लोगों से बातचीत की आपको मानते हैं, आपकी पार्टी का तो कुछ पता नहीं फिलहाल, तो क्योंकि नाम है आम आदमी पार्टी और काम है बता ही चुकी हूँ मैं। एक बार बताता हूँ, आप जो बात करते हैं हमारे फेसबुक पे 10% ही लोग रहते हैं, आप जब 90% जनता से बात करोगे ना, वो बताएंगे कि सरकार कौन सी आएगी। सरकार का तो पता नहीं, अगर लोग बलविंदर सिंह को चूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर टिकट ना मिलती, आप मतलब उम्मीदवार भी हैं टिकट के, अगर टिकट नहीं मिलेगी क्या पार्टी छोड़ दोगे? नहीं जी, पार्टी अगर पार्टी छोड़ने के लिए पकड़नी होती तो मैं सत्ताधारी पार्टी पकड़ के वहां मलाई खाता। अगर मैंने छोड़ने के लिए पकड़नी होती, मैं इनकी नीतियों के साथ आया हूं और नियत के साथ आया हूं। आज तक केजरीवाल जी ने जो कहा है किया है, लोग गारंटी मानते हैं कि केजरीवाल जी जो कहता है, जो हमने पंजाब में बोला कि हम 600 यूनिट 2 महीने में बिजली फ्री देंगे तो हमने दी, हमने बहाना नहीं लगाया खट्टर साहब की तरह कि पेंशन तो दे दूंगा मैं 2500, लेकिन स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आए, जो आज तक स्कूल में दी गई है, नहीं तो सर्टिफिकेट क्या देगा। इन्होंने ना देने के बहाने ढूंढे, वो इनकी नीतियां हैं। अगर इन्होंने कोई भी काम किया तो ना देने के बहाने उनमें 90 होते हैं, देने के तरीके उसमें मात्र 10 होते हैं। हमारे ना देने का कोई बहाना नहीं, जो हम कहते हैं अगर एक घर में 2 भी मीटर लग गए हैं तो कहती। तो सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार भी थी, सिर पे सिलेंडर ले लेके दरिया बिछा बिछा के पूरा पूरा दिन धरने देती थी कि भाई गैस के रेट ज्यादा हो गए, कांग्रेस के टाइम पे गैस के रेट ज्यादा हो गए। आज कहां है वो सत्ताधारी पार्टी? आज दिखती है कहीं पे सिलेंडर उठाए हुए? क्या आप लोग भी यही सेम करोगे? क्योंकि सत्ता में आने से पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है, फ्लिप तो आप लोग पॉलिटिशियंस ऐसे मारते हो एक सेकंड के अंदर अंदर। मैं तर्क के साथ जवाब दूंगा। वहां पे दिल्ली में सेंटर में सरकार दूसरी, बीच में हमारी सरकार, नगर निगम में सरकार दूसरी, पहली बार हमारी सीटें आई 27, दूसरी बार हमारी 67 के आसपास सीटें आई, तीसरी बार 62 के आसपास सीटें आई। दिल्ली वालों से पढ़ा लिखा कौन है? दिल्ली वाले तो पढ़े लिखे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने हमारे को तीसरी बार सरकार में आने का मौका दिया। उसके बावजूद एक सरकार थी वहाँ नगर निगम की, जहाँ बीजेपी का कब्जा था, उन्होंने देखा बड़ा तर्क के साथ कि हमारी ये गवर्नमेंट केजरीवाल जी वाली सही काम कर रही है या नीचे बीजेपी वाली नगर निगम की काम सही कर रही है। उन्होंने दोनों का बहुत बढ़िया से आकलन करके उन्होंने कहा कि नहीं, केजरीवाल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है 3 प्लान से, और यहां से नगर निगम से इनको हटाओ। उन्होंने नगर निगम से उनको हटाया। अगर केजरीवाल जी अच्छे ना होते तो नगर निगम की सरकार को ना हटा के स्टेट की सरकार को हटाते। नगर निगम की जब सरकार हमारी आ गई तो 2 महीने तक इतने बहाने ढूंढे कि इनका मेरी ना बने, ये अत्याचारी तो कर रहे हैं। अब इतने केजरीवाल जी का खोप है, छोटी बात बताता हूँ, केजरीवाल जी का उनको खोप है, तभी तो अध्यादेश ला रहे हैं कि जी सारे अधिकारियों का हम तबादला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार को काम करने दो, ये तबादला करेंगे, ये नियुक्तियां करेंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए अपना फैसला एक अध्यादेश की तरह लादना चाहा। अगर केजरीवाल जी का मोदी जी को डर ना होता तो मोदी जी कहते ठीक है केजरीवाल जी आपको सारी पावरें दी, और उसके बाद केजरीवाल जी कामयाब ना होते फिर जनता के पास कहते कि हमने सारी पावरें दे दी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन ये तो कामयाब नहीं हुआ, जनता उसको उतार देती। लेकिन केजरीवाल जी को पता था कि सारी पावरें इसको एक साल भी मिल गई ना तो ये दिल्ली को पेरिस बना देगा, इसलिए खोप के मारे उनको पावरें देना नहीं चाहते हैं। अगर उसको केजरीवाल जी का खोप नहीं है तो एक साल पावर देना पूरी, दिखाते हैं कि केजरीवाल जी काम कैसे करते हैं। दूसरी बात, हम पंजाब में करके दिखाएंगे। हमने 15,000 मुआवजा दिया लोगों के खेत में फसल जाने से पहले, 15,000 पे एकदम से मुआवजा दिया, बहाने नहीं ढूंढे। हमने 600 मोहल्ला क्लिनिक दिए तो 0 से लेके 10
पैसे से लेके टैबलेट वहां तक 1 लाख की भी दवाई है तो वो फ्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पर्ची लिख देंगे डॉक्टर 1000 वाली दवाई को कल्पना चावला में 4000 वाली लिख देंगे, कंपनी लिख देंगे ताकि वो कंपनी उनको। इसके अलावा आपने कहा कि अगर ड्रामेबाजी से प्रशासन मान रहा है, अधिकारी मान रहे हैं, जनता का काम हो रहा है तो मैं ड्रामेबाजी करूंगा, तो ये ड्रामेबाजी इसी तरीके से चलती रहेगी? मैं बताता हूँ, ड्रामेबाजी नहीं, जो जनता के लिए एक नेता बताओ जनता के लिए को जेल में गया, अपने शोरूमों के लिए जेल में गए होंगे, अपने कुकर्मों के कारण जेल में गए होंगे, जनता के लिए एक बंदा जेल में गया तो वो भी ड्रामेबाजी है। तो ऐसी ड्रामेबाजी को शहर की नेता करके तो दिखाए जनता के लिए। वही तो पूछ रही हूँ, क्या बलविंदर सिंह ये ड्रामेबाजी इसी तरीके से कंटिन्यूटी में रखेंगे? काम करता है, बलविंदर सिंह की पहचान शहर में एक योद्धा के तौर पर होती है, योद्धा कभी ड्रामेबाजी नहीं करता। अगर आप मानते हैं, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा था ड्रामेबाजी मानते हो, तो ऐसी ड्रामेबाजी भी को करके दिखा देना जो जनता के लिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं तो ड्रामेबाजी करूंगा अगर इससे जनता का काम होता है। ड्रामेबाजी आप नीरा पत्रकार को ड्रामेबाजी लग रहा है ना, एक आधे दूसरे को अधिकारी को ड्रामेबाजी लगता होगा ना, जनता को पूछो ना, यहाँ से निकलो ना, क्या बलविंदर सिंह योद्धा है, युद्ध लड़ता है या ड्रामेबाजी करता है? भाई हमें तो यही लगता है ड्रामेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं, बट वही चीज है कि अगर लोगों का काम हो रहा है ड्रामेबाजी करने से तो ड्रामेबाजी में नुकसान क्या है? जी ड्रामेबाजी पहले आप कोई प्रूफ दिखाओ ना कि वहां आपने ड्रामेबाजी करी और आगे से अधिकारी आए आप छिपके बैठ गए, होता वो है जब कोई ड्रामेबाजी करा और जब अधिकारी आ गया। ड्रामेबाजी सबसे बड़ी ड्रामेबाजी मैं आपकी बता देती हूँ, आप लोग धरने देने जाते हो, प्रशासन से पहले सेटिंग हो जाती है कि आपको बसों में उठा उठा के फेंकेंगे, हंसते हंसते चेहरों के साथ ये लोग बस में बैठ जाते हैं, सच्चाई है भाई जो आप लोग मीडिया में देखते हो ना, आज मैं आपको बता दूं ये सच्चाई है। दुष्ट सरकार के खिलाफ जब भगत सिंह जी, हम तो उसकी जूते की धूल भी नहीं है भगत सिंह जी की, हम मुकाबला नहीं कर रहे, वो भी फांसी चढ़े के तो हंस हंस के चढ़े थे, तो क्या हमको भी ड्रामेबाज बोलोगे? आप तो ऐसे हाथ आगे लेके खड़े हो जाते हो, लो बस में चढ़ा दो, बस में चढ़ा दो, पुलिस वाले जब आप लोग को धरनों पे से पकड़ने आते हैं, ड्रामेबाजी नहीं तो और क्या है? नहीं मैं वीडियो नहीं, आपने कहा ना एक एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर 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 बलविंदर सिंह खुद बस में चढ़ा है तो आपके जूते में पानी पिएगा? जूते में पानी पीने की मैं कौन हूँ जिसके जूते में पानी आप पियोगे? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, आपकी आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हंसते हुए पुलिस पकड़ने आती है ना धरनों पे इनको, कि जब इनको लेके जाना होता है हंसते हंसते ये चढ़ती है कि नाटक हो रहा है, टीआरपी मिल रही है, मीडिया में आ रही है। एक बात उठता हूँ, मीडिया में तो वही आता है जो योद्धा होता है, जिसमें युद्ध लड़ने की कला होती है उसी के पास कोई आता है। हंसते हुए चेहरों की फोटोज आज निकाल के दिखा दूंगी बलविंदर जी। बिल्कुल एक निकाल दो, हंसते हुए तो जाएंगे लेकिन ये कहें कि हम खुद बस में जाके बैठ के एक फोटो निकाल दो, राजनीति छोड़ दो, गारंटी एफिडेविट देता हूं। धरने धरने धरनों पे जब माहौल ऐसा बन गया, पुलिस और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने कोई प्रदर्शन आप कर रहे हो आमने सामने, उसमें हंसी कहां से आ जाती है? ड्रामेबाजी नहीं तो क्या है भाई? और बताऊं, अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी बुजुर्ग की, वहां पे अगर कोई 10 घंटे वहां पे बैठता है तो क्या किसी हंसी की बात पे हंसता नहीं है? आपने देखा है क्या वो कोई मौत होती है सारा दिन रोता रहता है, जिनके घर का मेंबर भी जाता है कि बीच में हंसी की बात आती है तो आप मेरे को सच्चाई बता दो, पुलिस वालों से पहले नहीं आप लोग की सेटिंग होती? नहीं, पुलिस वाले की बलविंदर सिंह सेटिंग आप, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, जब प्रशासन खड़ा होता है आप लोग प्रदर्शन कर रहे होते हो कि ऐसे ऐसे करके आपको लेके जाएंगे, ठीक है, मैंने तो 1 बार नहीं 100 बार देखा है, पीछे आप लोग किसको महंगाई को लेके बैठे थे, त्रिलोचन जी भी बैठे थे, सारे बैठे थे धरने पे बैठे थे जिला सचिवालय के बाहर, और इतने हंसते हंसते बसों में चढ़ते हो आप लोग। कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे ना, मैं तो अपना जवाब देता हूँ ना, कोई भी हो कोई पार्टी हो। ऐसे है, एक बात बताऊं, अगर एक शहर के किसी मकान गरीब के तोड़ने वाले को बचाने के लिए गया, उसकी 2 बेटियों के सामने, एक नाबालिग बच्चे के सामने, 2 हार्ट पेशेंट बुजुर्गों के सामने, उसकी बीवी के सामने 200 बंदे पुलिस वाले घसीटते हुए लेके जाते हैं, वो ड्रामेबाजी है? क्वेश्चन करते हुए कुछ तो सोचा करो। नहीं क्वेश्चन, मैं तो इस चीज को उस चीज से जोड़ने का कोई मतलब नहीं, इस चीज को उस चीज से जोड़ने का कोई मतलब नहीं, जो चीज ठीक है वो ठीक है। आप बोल रहे हो मोदी, जो मोदी हटाओ देश बचाओ, इसने खौफ पैदा कर रखा है, मोदी जी को हटा ही नहीं सकता कोई, क्या भगवान है, जनता का सेवक है, जनता ने बनाया ना उसको, हटा क्यों नहीं सकते? दोबारा नहीं लगाया आपने पोस्टर, क्या बात, क्यों हर रोज पोस्टर ही लगाते रहेंगे क्या? हम कहते उस दिन भी नहीं लगा पाए तो। क्यों नहीं लगा पाए? जब पुलिस वाले हमारे वो बीजेपी के वर्कर, पुलिस वाले ज्यादा थे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ज्यादा, वर्कर अच्छा ज्यादा होने से योद्धा बन जाता है क्या कोई?
पोस्टर तो एक नहीं लगा पाया आप लोग। क्यों पोस्टर लगाए थे फिर हमने अंदर क्यों डाला? और जब हमने पोस्टर नहीं लगाया तो हमें अंदर क्यों डाला? कोशिश की थी लगे कहाँ? हाँ तो कोशिश कहाँ, 50 पुलिस वाले आगे खड़े हो जाएंगे, बीजेपी का वर्कर बढ़ गए तो हम पोस्टर कैसे लगाएंगे? अच्छा डंडे वंडे भी पड़े थे उस दिन के? नहीं किसको डंडे, तो पुलिस मार ही सकती है डंडे, जब पुलिस की बच्चों के सामने घेर के ले जा सकती है तो डंडे मारने में कोई परेशानी है उनको? बच्चों के सामने घेर के ले जाने की बात हो रही है, उस दिन जब रात को आए पुलिस वाले एकदम से, बेटियां हैं आपके घर में, क्या रिएक्शन था? क्या रिएक्शन था? बेटियों ने जो देखा था वो सारी दुनिया ने देखा कि मेरी बेटियों ने बहादुरी के साथ कैसे पीछे मेरी समर्थन किया, यहाँ पे कैसे उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया, जो एक योद्धा परिवार की बेटियाँ को करना चाहिए था वही उन्होंने करा। और वो स्कूलों की टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, जो उनको विरोध करना चाहिए था मेरे बुजुर्गों ने वो इन्होंने विरोध किया, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पीछे चुप के बैठ गए। 8 दिन तक मेरी पत्नी ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहनों ने दिन रात मेहनत करी, सारे वार्ड वासियों ने दिन रात मेहनत करी, पीछे पूरी पैरवी करी। और उसके बाद ये खट्टर साहब डराना चाहते थे, जब बाहर निकलते जो अक्रामक तेवक पहले थे तेवर, उससे 4 गुना ज्यादा अक्रामक तेवक आज तक रखे। चलो जाते जाते एक बात, तो अब जिला अध्यक्ष आप चुने गए हो, ठीक है, अब आप काम करोगे तो मतलब दोबारा से वो चीजें होंगी, दोबारा फिर जेल जाने की तैयारी है, पक्के हो? जी जेल तो किसी को डाल, मैं जब कहता हूं कि आपके खिलाफ कोई भी, अगर मैं सरकार में हूं, मैं बोलूं कि जैसे कि नीरा पत्रकार आई, नीरा माटाऊ ने मेरे घर पे अटैक कर दिया, झूठा आरोप लगा के आपको अंदर डाल दें, झूठा ही आरोप लगाएंगे, वैसे मेरे पास है क्या खोने के लिए जो मेरा ये बंद करवा देंगे? क्या मेरी फैक्ट्रियाँ सिटी मार रही हैं, मेरे स्कूल चल रहे हैं, क्या चल रहा है? किसान का बेटा हूँ, डाल लें अंदर, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये दिखाएं कि किस कसूर में अंदर डाल रहे हैं, गरीब का मकान बचाने के लिए डाल रहे हैं? बीजेपी वालों की तरह तो नहीं करोगे कि सत्ताधारी पार्टी जैसे नहीं थी वो आने से पहले सिर पे सिलेंडर लेके दरिया बिछा बिछा के बैठी, आज जब सत्ता में है तो लोगों के बीच में जाना भी बंद है? करके दिखाया ना हमने, 3 प्लान है, अगर 12 साल में करके दिखाया, पहले दिन से आए आज तक लगातार सत्ता में आ ही रहे हैं, कोई तो गुण होगा हमारे, कोई तो कुछ किया होगा, हमारे से गरीब प्यार करते हैं, जिनकी बेटियां, नीरा जी आप तो बड़े परिवार में पड़ी हैं, बहुत से ऐसे होते हैं बेटियां जिनके पास 100 रुपए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है, आप उन बेटियों के पास जाओ। एक दिन DC निशांत यादव जी मेरे स्कूल में गए थे, आप पूछ लेना, इंटरव्यू लेना, जैसे ही मैं स्कूल में मंगलपुर में गए, एकदम मेरी बेटियां ऐसे मिलने आई जैसे अपने पापा को अपने चाचा को मिलने आता है। तो निशांत यादव जी ने सारे MCO को बोला कि अगर सीखना है तो कुछ बलविंदर सिंह से सीखो कि कैसे बेटियां प्यार कर रही हैं, कैसे टीचर प्यार कर रहे हैं, वहां जाओ। एक बात और तरीका बताता हूं कि मंगलपुर गांव जो पहले मैं आजाद पार्षद था मेरे अंडर में आता था, बाद में राजनीति का मैं शिकार हो गया, मंगलपुर मेरे से काट दिया गया, आज वो नवीन जो पार्षद हैं, जो डिप्टी मेयर हैं बीजेपी के, वहाँ पे सारी सत्ता है, डिप्टी मेयर उनका पार्षद है, मेयर बीजेपी से, MLA बीजेपी से, मुख्यमंत्री जी बीजेपी से, MP बीजेपी से, एक एक का नंबर है बीजेपी से। मैं बताता हूँ वो मंगलपुर में जाके देखो, उनसे पूछो क्या आज बीजेपी का जो आपका पार्षद डिप्टी मेयर है उसका सेवा ज्यादा बढ़िया थी, या एक बलविंदर सिंह जो सरकार के साथ सिंह अड़ा के रखता है उसके उसकी सेवाओं में दम था? मैं जो जहाँ पे ईंट रख के आया हूँ उसके बाद कोई पेंट भी नहीं करवा आया, मैं उनके पार्षदों को कहता हूँ कि पार्षद साहब मतलब डिप्टी मेयर पे सीधे सीधे आरोप, और डिप्टी मेयर पे नहीं आरोप, डिप्टी मेयर की बात नहीं है, बात यह कि एक ही गाँव ऐसा है ना जो पहले मेरे वार्ड में था और अब दूसरे वार्ड में है, वहाँ जनता से जाके पूछो, अगर 10% 10 साल का पार्षद रहने के बाद 10% भी उस गांव में तेरे भाई के खिलाफ मिलते हैं तो मुझे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं, मुझे आगे इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं, तर्क के साथ बात करनी चाहिए, आरोप तो किसी पे भी लगाया जा सकता। तो भाई ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 2 से बलविंदर सिंह, जो हाल ही में जिला अध्यक्ष चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो भी, बुरी लगी तो भी, आने वाले समय में मौका देंगे तो भी कमेंट कीजिएगा, और नहीं देना चाहते तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे और नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर, धन्यवाद।